Hello everyone, myself Tasni Momin. I welcome you back to English classroom. So guys, let's move on to our next chapter, that is chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, from the Beehive book of NCERT 9th grade students. So इस lesson में Albert Einstein, जो कि एक काफ़ी genius personality हो चुके हैं, काफ़ी genius personality और well known personality थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बायोग्राफी है इस लेसन में. हम लोग उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, राइट फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज डेथ. यहाँ पे मैंने बोर्ड पे उनके जो एकदम नोटेबल और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो कि उनके लाइफ टाइम में गुजर चुके हैं वो मैंने नोट किए हूँ, ताकि हम लोगों को उनके बायोग्राफी के बारे में लिखना आसान पड़े और सभी पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आए. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Freak means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. उनके मदर को क्या लगता था, ये दूसरे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते, ये थोड़ा कुछ तो अलग बिहेव करते हैं. मीन्स ही इज़ नॉट अ नॉर्मल, ऐसे भी लगता था उनको, बिकॉज ही इज़ हैविंग हिज हेड मच बिगर दैन हिज बॉडी. उनका जो ऊपर का हिस्सा था, उनका जो सिर था, उनके बॉडी के मुताबिक काफ़ी बड़ा था. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजन टॉकिंग. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. आइंस्टाइन डिड नॉट want to do with other children and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself much of the time. तो क्या हो गया, एक तो वो बात करना काफ़ी देरी से सीखे, ढाई साल के बाद में उन्होंने बात करना सीखे, और बात करने सीखने के बाद में भी वो बात जो है दो मरतबा दोहराते थे. He repeat his speech two times, twice वो दोहराते थे. और उनको काफ़ी उनके एज ग्रुप के बच्चों साथ खेलना उनको पसंद नहीं था, और जब भी वो खेलते थे तो फिर दूसरे बच्चे उनको क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा मिक्स नहीं होते थे बच्चों में. सो ही यूज़ टू प्ले बाय हिमसेल्फ, वो अकेले ही खेलना पसंद करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर गर्ल्स. वो ज़्यादातर अब किसके साथ खेलते थे, मैकेनिकल टॉयज के साथ में खेलते थे. और इनफैक्ट जब भी उनको एक छोटी उनकी बहन हुई तो वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सवाल किया कि इसके व्हील्स कहाँ पे हैं, तो इतना वो क्या बोलते हैं हैबिचुअल हो गए थे मैकेनिकल टॉयज़ के, इंसानों से नहीं वो मशीनों से ही खेलते थे बचपन से ही. अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. तो क्या होता था, उनके हेडमास्टर जो थे वो बोलते थे कि Einstein कौन सा भी प्रोफेशन सेलेक्ट कर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता. तो हमेशा उनको क्या हो गया, क्रिटिसिज्म से उनको बचपन से उनको झेलना पड़ा, सब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, तभी भी वो आज के एक जाने माने और काफ़ी वेल नोन साइंटिस्ट बने. तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बचपन से उन्होंने इतना क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद भी वो सक्सेस हुए. तो उनको एट द एज ऑफ सिक्स ही बिकम एन वायोलिन एक्सपर्ट. वो उनको उनकी मदर ने उनको भेजा था ताकि वो चाहती थी कि वो वायोलिन सीखे, लेकिन इनबिल्ट उनके अंदर भी वायोलिन प्ले करने की एक क्षमता थी, एक हैबिट थी, एक उनका पैशन था, तो वो एक वायोलिनिस्ट बने, एक फेमस वायोलिनिस्ट बने. अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein failed to stifle there that he left the school for good. तो क्या होता, Einstein school में academic तो काफ़ी बेहतर कर लेते थे, लेकिन उनको ये जो school का डिसिप्लिन और जो ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उनको पसंद नहीं थे, इसलिए उनकी क्या होती थी, टीचर लोगों के साथ में झिकझिक हुआ करती थी. सो एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल.
previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो क्या हो गया? अभी Einstein ने स्कूल छोड़ दी और उन्होंने अपना एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड सिटी में उन्होंने कंटिन्यू किया. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to school to study at the university in Zurich. But science wasn't the only thing that happened that appealed to the dashing young man with the valorous mustache. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marić. तो उनका बाकी का further education उन्होंने Zurich में complete किया. और कौन से उनको maths और physics में काफ़ी interest था. और वहाँ पे उनकी मुलाकात किससे हुई? Mileva Marić से हुई, जिससे उन्होंने बाद में जाके शादी भी की और उनका divorce भी हुआ. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marić, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो वो भी वहाँ पे study करने के लिए आए थे, उनको भी degree लेना था, इसलिए वो भी university, Zurich की जो university है वहाँ पे वो आए थे. कौन? Mileva Marić. और उनका भी nature same as compared to Einstein ही था. उनको म्यूजिक श्यूजिक ऐसा कुछ आर्ट्स वगैरह पसंद नहीं था, वो भी काफ़ी स्टूडियस थे, बहुत सारी किताबें पढ़ती थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines. Philistines का मतलब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, द वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक. दूस पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्सोनेंटली एट ऑड्स. ये कहते ये भी काफ़ी दूसरी लड़कियों से और थी. द कपल फेल इन लव. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. रोट Einstein, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. उनकी जो बातें थी उसमें भी काफ़ी साइंटिफिक वर्ड्स डिस्क्राइब होती थी और ऐसे भी दिया है उनके जो लव लेटर्स वगैरह होते थे तो उसमें भी काफ़ी ऐसे वर्ड्स यूज होते थे जैसे साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं उस टाइप में. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट Einstein वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. 1902 में उनको job, उनकी job secured हो गई, job मिल गया उनको. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. वो अपने भी ideas क्या बोल रहे थे, वो भी कुछ तो इन्वेंट कर रहे थे सीक्रेट में. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज Einstein स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. इनडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी. इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and the energy. और जो famous formula है E is equal to mc square, ये वाला invent हुआ. On 1905 theory of relativity आई, जो कि बाकी इससे पहले की theory से अलग थी. और formula E is equal to mc square invent हुआ. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling, means starting to fail. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. "She is a book like you," his mother said. Einstein put the wedding off.
The pair finally married in January 1903 and had two sons. तो क्या है, Einstein की मदर जो है वो इस शादी से अपोज कर रही थी, क्योंकि मिलेवा है, मिलेवा जो थी वो Einstein से 3 साल से बड़ी थी और उनका जो बिहेवियर था सेम Einstein जैसा ही था, कि उनको भी किताबें काफ़ी पसंद थी और वो वैसी टाइप की पर्सनैलिटी थी, इसलिए उनकी मदर ने शादी के लिए इनकार किया था। तभी तो उन्होंने ख्याल निकाला, लेकिन बाद में वापस 1903 में मिलेवा से उन्होंने शादी की और उनको दो लड़के हुए। ही हैड टू सन्स बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, मैरिज का हो गया वीक होने लगा। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. 1919 में उनका divorce हुआ और at the same year उनकी जो है शादी हुई, किसके साथ में, उनकी cousin जिसका नाम Elsa था। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915 he had published his theory, general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity, and eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1915 में उन्होंने general theory of relativity लाई, 1919 में solar eclipse हुआ और उनकी theory क्या है, correct proof हुई, उनका proof मिल गया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light formed fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. इस चीज़ को, इस invention को एक scientific revolution का नाम दिया गया और Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921, उनको Nobel Prize मिला physics में, with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उनको बहुत सारा respect मिला, honor मिला all over the world में और बहुत सारे invitations भी आए। फिर बाद में क्या हुआ, when the Nazis came to power in Germany in 1933 में Nazism power में आ गया। Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American scientists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो नाजिस का जो है पावर थी वहाँ पे, तो उनको डर लग रहा था कि वो कहीं बॉम्ब वगैरह बना ना ले और हार्म ना पहुँचाए ह्यूमन काइंड को। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, Einstein रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन अगस्त 1939, इन विच ही वॉन्ड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने लेटर लिखे, उनके एक कलीग ने उनको अर्ज किया एक लेटर लिखने के लिए, इसलिए उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज फ्रैंकलिन डी को लेटर लिखा कि ऐसा बॉम्ब काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन उसका कोई भी उनके ऊपर असर नहीं हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। लेकिन उन्होंने बॉम्ब बना भी लिया और ड्रॉप भी कर दिया जापान में, और वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got very more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो क्या हुआ, उन्होंने अभी पॉलिटिक्स में एंट्री की टू फॉर्म द पीस एंड डेमोक्रेसी इन द सिटीजन्स। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as a scientific genius. So 1955 at the age of 76, Einstein ki death hui and he was known as the most of the well-known genius scientist. Okay guys, I hope you have understood this chapter. Thanks for watching my video. Thank you.